महंगाई बहुत हो गई है, बहुत हालत खराब रिक्शे वाले का। रिक्शा चलाते हैं, किस तरह से आपका घर चलता है, इतनी महंगाई है, क्या कहना चाहें? महंगाई बहुत हो गई है सरकार, बहुत हालत खराब रिक्शे वाले का। अभी जब रिक्शा चलाओ तो जो सीट पे चलाते हैं वो 250 रुपये सीट देना पड़ता है, 300 रुपये 350 रुपये गैस भरना पड़ता है, उसमें आदमी 800-900 कमाता है, उसमें आदमी को बचता कुछ नहीं है, आदमी परेशान है। सरकार से यही निवेदन है कि सरकार महंगाई कम करे। गवर्नमेंट बोला कुछ था कि तुम्हारे लोग के लिए कुछ करना है, करता हूँ, कुछ किया ही नहीं, करना चाहिए था। जैसे कि हम लोग परेशान है, हवलदार पकड़ता है, फाइन लेता है ज़्यादा, 100 के बदले 300-250 कुछ देता नहीं है। इसके लिए कुछ बोलना चाहिए था, हम लोग बोलते हैं, विरोध करते हैं, हमारे लोग का कोई सुना नहीं जाता है। उन्हें बहुत मुश्किल होता होगा, जब से इनकी खुद की रिक्शा है वो तो अपना गुजर बसर कर रहे हैं, और जिन जो शिप से चला रहे हैं वो तो उन्हें तो एक कुछ भी फ़ायदा नहीं होता होगा, और अपना वो तो गुजर बसर समझ लो ना के बराबर ही करते होंगे। और जैसे क्या है, हमको तो ये भी है, हमारा CNG बढ़ भी रहा है, और CNG बढ़ा रहे हैं उनका सरकार जो बढ़ा रही है, और पिन हमें पुलिस भी जो प्रशासन होता है ट्रैफिक हवलदार वो मनमाना अपना फाइन मारते हैं, और CNG दिनों दिन बढ़ता है, और हमारे खड्डे रोड सड़क जो भी हैं उनके खड्डे भरे हुए नहीं, खड्डे बड़े बड़े हैं, उनसे गाड़ियां चलाने में तकलीफ होती है। बढ़ती हुई CNG, जो सरकार CNG का रेट बढ़ा रही है, 80 रुपया पर KG कर दिए हैं, तो जब भी 48 रुपया किलो CNG मिलती थी रिक्शा चालकों को, तब भी रिक्शा चालक परेशान थे, और आज 80 रुपया किलो CNG मिल रहा है तो भी रिक्शा चालक बहुत ज़्यादा परेशान है। ये समझिए कि गाड़ी का हफ्ता भरना भी बहुत ही, मतलब बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा ही आदमी परेशान है, गाड़ी का हफ्ता नहीं निकाल पाता है, रोजी रोटी खाने का भी मतलब ब्यौरा नहीं बन पाता है रिक्शा चालकों का, और जो शिप पे चलाते हैं उनका तो पूरी हालत ही ख़राब है।